गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज मैं आपको आईसीटी के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ। इसमें मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आईसीटी के कंपोनेंट्स क्या है और आप वीडियो कैसे बना सकते हैं, उसकी एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे कर सकते हैं और आईसीटी के जो लिमिटेशन है उसके बारे में बताऊँगा और फ्री एजुकेशनल ऐप के बारे में बताऊँगा जो MHRD क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसने भी फ्री एजुकेशनल ऐप डाल रखे हैं जहाँ पे आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है। आईसीटी की फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें आई का मतलब है इंफॉर्मेशन, सी का मतलब है कम्युनिकेशन, टी का मतलब है टेक्नोलॉजी। काफी लोग इसको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ही बोलते हैं। अब मैं आपको बता दूं, इंफॉर्मेशन का मतलब सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। इसको कुछ लोग ये भी बोलते हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, तो बात एक ही है। अब मैं बता रहा हूं आईसीटी जो है 2004 में लॉन्च की गई और इसको रिवाइज करके 2010 में अगेन दोबारा लॉन्च किया गया। इसके बाद CAD बेस्ड इसमें टेक्नोलॉजी लॉन्च की गई। CAD का मतलब है कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोसेस। अब मैं आपको बता दूं कि आईसीटी में आपके जो है डिवाइसेस कौन कौन से, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इस आईसीटी में इनपुट डिवाइसेस कौन सा है, कीबोर्ड है, माइक है, माउस है, वेबकैम है, ट्राइपॉड स्टैंड है, माइक्रोफोन है। आउटपुट डिवाइस में क्या, हेडफोन है, प्रोजेक्टर है, प्लॉटर है, मॉनिटर है, स्पीकर है। तो आपके इनपुट आप कैसे डालोगे और आउटपुट आपके सामने कैसे आएगा, ये मैंने आपको अभी जानकारी दी। इसके बाद मैं बता दूं कि आईसीटी लैब, जो वर्चुअल लैब का नाम दिया गया है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में तो आईसीटी लैब है ही, पर उस आईसीटी लैब के लिए या आपको वीडियो बनाने के लिए किन महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए आवश्यक है। सबसे पहले तो महत्वपूर्ण जानकारी है आपका कंटेंट्स। आप सबसे पहले कंटेंट्स अपना तैयार करिए, जो कंटेंट्स दमदार होना चाहिए। जो भी आप चीज पढ़ाने वाले हैं उसका कंटेंट्स को आप बनाइए और उसमें इम्पॉर्टेंट जानकारी को आप एक जगह उसको हाईलाइट करिए कि वो जानकारी आपको जरूर देनी है। कंटेंट्स के बाद दूसरी चीज है आप उसको रिकॉर्ड कैसे करोगे। आपके पास रिकॉर्डिंग के लिए मोबाइल कैमरा है, वेबकैम है या DSLR कैमरा है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखनी है आपको रिकॉर्डिंग किस प्रकार से करनी है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है कि उसको स्टोर कहाँ पे करना है, आपकी इन्फॉर्मेशन कितने ड्यूरेशन ऑफ टाइम की है तो आप उसको स्टोर कहाँ करोगे, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एडिटिंग। एडिटिंग में आपको वीडियो एडिट करना है, आपका ऑडियो अगर गलती से आपने कहीं गलत बोल दिया है तो उसको कहाँ उसको एडिट करना है, आपका क्वालिटी वीडियो और ऑडियो क्वालिटी किस टाइप से रिप्रेजेंट होगा उसको भी आपको एडिट करना है, तो ये सब चीज एडिटिंग जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट टफ टॉपिक है। उसके बाद है शेयर करना, कि आप उसको शेयर व्हाट्सएप पे करोगे, फेसबुक पे करोगे, ट्विटर पे करोगे और जो जो आपके सोशल मीडिया वहां पे शेयर करोगे जिससे आपका वीडियो चलेगा और जिसके कारण आईसीटी सक्सेसफुल होगी। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से मोबाइल एजुकेशनल ऐप है जहां आप अपनी एजुकेशन पूरी कर सकते हैं और आप नई नई इंफॉर्मेशन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एजुकेशन। उसमें दीक्षा ऐप जो राजस्थान गवर्नमेंट ने सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल और प्राइमरी स्कूल में भी इवन दीक्षा ऐप लॉन्च किया, जिसमें जहां बच्चे और टीचर्स के बीच में इंटरेक्शन हो जाता है दीक्षा ऐप के माध्यम से। ई पाठशाला ऐप भी है, खान एकेडमी के नाम से भी है, मेल केमिस्ट्री के नाम से भी है, ओ लैब्स में आपके जितनी भी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी की लैब है उसमें प्रैक्टिकल का एक मीडियम प्रोवाइड किया गया जहां पे आप देख सकते हैं। इसके बाद है ह्यूमन बॉडी जो है आपका 3D इफेक्ट, पूरा ह्यूमन बॉडी के जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, यहाँ पे उसका पूरा 3D इफेक्ट दे रखा है। इसके बाद ई बर्ड में आपको जितने भी ऑर्निथोलॉजी है, स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड द ऑर्निथोलॉजी, और ऑर्निथोलॉजिस्ट डॉक्टर सालिम अली, ये बर्ड वॉचर के लिए बहुत अच्छा एक एजुकेशनल ऐप है। तो यहाँ पे आप ई बर्ड, स्काई व्यू में प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, आपके जितने भी प्लैनेट्स हैं सैटेलाइट्स से और स्पेस से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको प्राप्त करनी है वो स्काई व्यू पे दिया हुआ है। इसके बाद MHRD जो एक्चुअल में एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसने कौन कौन से फ्री एजुकेशनल ऐप आपको प्रोवाइड किए वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। इसमें शोध गंगा,
जहां पे जितना भी रिसर्च का जितना भी डेटा पड़ा हुआ है वो सारा आपके शोध गंगा का मतलब शोध जो है रिसर्च का जो मैटर है वो शोध गंगा में है, आप वहां से उसको रिट्रीव कर सकते हैं और आप अपने शोध के बारे में और दूसरे शोध के बारे में भी आपको जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो यहां मिल सकती है। एक ई शोध बिंदु, ई शोध बिंदु भी जो है ई पेपर की तरह शोध बिंदु है, वहां पे भी आपको ये जानकारी मिल सकती है। इसके बाद है स्पोकन ट्यूटोरियल है, ये भी एक मीडियम है, ये भी एक एजुकेशन ऐप है जो आप यूज कर सकते हैं। एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, यहाँ पे भी आपको बहुत सारी बुक्स जो है आपको ई लर्निंग के माध्यम से आप यहाँ आप बहुत सारी जानकारी और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जो दिया हुआ है मैंने आपको दिया आईसीटी लर्निंग टूल्स कौन कौन से है। एक चीज मैं बता दूं, जो आईसीटी है उसके अंदर कौन कौन सी किस किस को आईसीटी लैब में काउंट किया गया, आपका रेडियो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं जो शुरू से ही मन की बात रेडियो पे करते हैं वो भी एक आईसीटी का माध्यम है। इसके बाद टीवी है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, ई न्यूज़पेपर है, जितने भी ई न्यूज़पेपर है आजकल आपको पता है कि महामारी के दौरान काफी न्यूज़पेपर जो है बंद हो गए, वो आपको ई न्यूज़पेपर के नाम से ई पेपर के माध्यम से आपको अवेलेबल है, तो आप वहां से भी जो भी चीज इंफॉर्मेशन लेते हो वो आईसीटी लैब के अंदर ही अंतर्गत ही आता है। इसके बाद में बता दूं आईसीटी लर्निंग टूल्स में लैंग्वेजेस है, डिजिटल कैमराज है, वेबकैम्स है, ऑडियो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है, एनिमेशन जो डालते हैं वो भी इसके अंदर आता है, ब्लॉगिंग जो ब्लॉग्स लिखते हैं बड़े बड़े लोग, तो ये जो है ये आईसीटी लर्निंग टूल्स है। स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, इसके बाद है पब्लिशिंग प्रोग्राम्स है, ये आईसीटी के लर्निंग टूल्स है। इसके बाद में बता दूं इवन आपने अगर कोई रिकॉर्डिंग कर ली तो कौन कौन से मोबाइल एडिटिंग टूल्स अवेलेबल हैं वो मैं बता दूं। मोबाइल पे जो एडिटिंग टूल्स है जैसे पोस्टर और लोगो के लिए कैनवा, अगर आपको कोई लोगो बनाना है तो आपको पोस्टर बनाना है तो उसके लिए कैनवा बेस्ट सॉफ्टवेयर है, आप उससे टूल्स को आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद पिक्सलैब, पिक्सलैब मोबाइल पे आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हो और पिक्सलैब के माध्यम से आप थंबनेल बना सकते हो बहुत अट्रैक्टिव तरीके का, और फोटो ग्रिड भी है, की स्टार्ट है, यू कैन परफेक्ट है, ये थंबनेल बनाने के लिए बहुत अच्छे आपके टूल्स हैं, मोबाइल एडिटिंग टूल्स हैं, इस पर आप थंबनेल बनाने के लिए और आप पोस्टर लोगो बनाने के लिए कैनवा यूज कर सकते हैं। इसके बाद में बता दूं वीडियो एडिटिंग टूल्स, आपका वीडियो मान लो कहीं कहीं आपको अपने वीडियो में कोई करेक्शन करना है, एडिटिंग करना है, तो कौन कौन से टूल्स आप यूज कर सकते हैं, इसमें एक तो काइन मास्टर है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, इसके बाद है फिल्मोरा, इसके बाद है पावर डायरेक्टर, पर ये अपनी वीडियो में कहीं कहीं अपने वाटरमार्क डाल देते हैं, पर उससे क्या होता है वीडियो की वो एक अलग बात है कि अपना डेफिनेटली आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको अपने इनका जो है इनका लोगो तो आएगा ही, पर उससे आपके वीडियो की क्वालिटी कोई फर्क होने वाली नहीं है बल्कि वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव ही होगी, तो ज्यादातर लोग काइन मास्टर, फिल्मोरा, पावर डायरेक्टर यूज में लेते हैं, ये वीडियो एडिटिंग टूल्स है। इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स आप कौन कौन से यूज करते हैं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जो ऑनलाइन क्लासेस के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑनलाइन क्लासेस के लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट मार्केट में ऐप है वो कौन कौन से है, जूम, जिसने जूम ने पूरा का पूरा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जितनी भी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज हैं वो सब जूम ऐप के थ्रू हुई है, और ये सबसे इजी ऑनलाइन क्लासेस का सबसे अच्छा मीडियम है। उसके बाद है गूगल मीट भी है, उसके बाद स्काइप है, गो टू मीटिंग है, ये भी आपके ऑनलाइन क्लासेस के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स के लिए एक अच्छे मीडियम है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपको अगर ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो कौन कौन से आपको इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें मैं बता दूं एक तो मोबाइल और DSLR कैमरा थोड़े कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव होता है, तो इसकी जरूरत पड़ेगी, एक वाइट बोर्ड, मार्कर पेन, ट्राइपॉड स्टैंड और माइक्रोफोन की आपको जरूरत पड़ेगी, और इवन अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उसको क्रिएट करना पड़ेगा, गूगल ड्राइव ऐप यूज करना पड़ेगा और स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप उसको चालू करना पड़ेगा, इसके बाद वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपका अट्रैक्टिव हो जाएगा। इसके बाद कौन कौन से गूगल ऐप का यूज करते हैं आप, और ये बहुत बेस्ट जो टूल्स हैं गूगल ऐप जो है उसमें कौन कौन से, ब्लॉगर यूज कर सकते हैं, यूट्यूब यूज कर सकते हैं आप लोग, जीमेल मेल कर सकते हैं, गूगल डिजाइन, गूगल कैलेंडर,
ड्राइव है, गूगल ड्राइव है, वेबसाइट है, आप वेबसाइट बना सकते हो, इसकी काफी डिमांड है। उसके बाद है गूगल फॉर्म, जितने भी आपने स्टार्टिंग में क्विजेज जो कॉलेज यूनिवर्सिटी ने क्विजेज ऑर्गेनाइज किए थे और उसका हैंड टू हैंड आपको रिजल्ट और सर्टिफिकेट मिल जाता था, वो गूगल फॉर्म्स पे ही बनता था। इसके बाद गूगल मैप से आप कहीं भी किसी के घर आपको जाना है तो गूगल मैप आप यूज करते हैं, तो ये एक माध्यम है। इसके बाद मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज बता दूं कि इनकी लिमिटेशन क्या है। आईसीटी लैब की कुछ लिमिटेशन है, हम इतना आईसीटी लैब के लिए इतने परफेक्ट क्यों नहीं है और हम इतना तैयार क्यों नहीं हुआ आईसीटी लैब के लिए, क्योंकि इसकी कुछ लिमिटेशन है। इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव हार्डवेयर। इसके जो एपरेटस है, जो DSLR कैमरा है, वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा है, एडिटिंग टूल्स है, वो अगर आपको अच्छे लेने हैं तो आपको पे करके उनको लेना पड़ेगा। तो ये काफ़ी इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि कॉम्प्लेक्स है और एक्सपेंसिव हार्डवेयर है, कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स आपको लेने पड़ते हैं और इसी वजह से ये इसकी लिमिटेशन है, इसका ड्रॉबैक है, डीमेरिट है। सेकेंड है डिफिकल्ट मेंटेनेंस। एक एपरेटस खराब हो गया तो सारे उसी से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, तो आपका सारा काम बिगड़ गया। अगर क्योंकि ये सारे जो सिस्टम है इनमें से एक सिस्टम भी अगर खराब होता है तो आपका सारा काम धरा रह जाता है। तो इसके लिए डिफिकल्ट मेंटेनेंस है, आपको उसको बुलाना पड़ेगा, रिपेयर कराना पड़ेगा, उसके बाद ही ये काम कर पाएंगे। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंस। अगर आपकी लाइट चली गई, जैसे सरकारी स्कूल में अगर आईसीटी लैब का प्रोविजन किया तो वहाँ सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि रूरल एरिया में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो ये सारे जितने भी एपरेटर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पे डिपेंड है और ये सबसे बड़ा मेजर मेन ड्रॉबैक है। इसके बाद है ब्लॉक के सेपरेट रूम। अगर जहाँ आईसीटी लैब का प्रोविजन किया जाएगा वहाँ एक रूम को सेपरेट ब्लॉक किया जाएगा और उसके लिए अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, एसी रूम रूम कूल होना चाहिए, वहाँ ज़्यादा रेडिएशन नहीं पड़नी चाहिए, तो उसकी वजह से वो सारे जो सॉफ्ट एपरेटर्स है वो डैमेज हो सकते हैं, इसलिए ये अदर इंफ्रास्ट्रक्चर की इसमें ज़रूरत पड़ती है। और एक स्किल टीचर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो स्किल टीचर जो उसमें परफेक्ट हो और वो आईसीटी लैब को ऑर्गेनाइज करे और उसको टैकल कर ले। तो ये गवर्नमेंट ने इस टाइप की परमानेंट वैकेंसीज नहीं निकाली है स्कूल्स में, और गवर्नमेंट ने कहा भी है कि वो कंप्यूटर टीचर का एक अलग कैडर स्थापित करेगी और कंप्यूटर टीचर की वैकेंसीज निकालेगी। तो आईसीटी लैब के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि गवर्नमेंट को उस पर ध्यान देना पड़ेगा और हर स्कूल में एक कंप्यूटर टीचर को अपॉइंट करना पड़ेगा। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि आईसीटी लैब को परफेक्ट बनाने के लिए आप जल्दी से जल्दी कंप्यूटर टीचर की वैकेंसीज निकालिए, जिससे आईसीटी लैब परफेक्ट बने और आगे हम बड़ी से बड़ी महामारी को इजी तरीके से उसको हम सॉल्व कर पाएँ। क्योंकि आईसीटी लैब के बिना हम घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस खासतौर पे सरकारी स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जब तक आईसीटी लैब को परफेक्ट नहीं बनाएंगे और कंप्यूटर टीचर जो स्किल टीचर है उसकी जब तक भर्ती नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व होना बड़ा मुश्किल है। डेफिनेटली मेरा वीडियो पसंद आएगा, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मोटिवेट हों और मैं भी अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हूँ। थैंक यू वेरी मच। बड़े